आईबीएन 24 न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अधिकृत उम्मीदवार सुरेंद्र पटवा ने वाहन रैली निकालकर रिटर्निंग अधिकारी गोहरगंज कार्यालय पहुंचकर भरा नामांकन। देखिए पूरी खबर आईबीएन 24 न्यूज भोपाल पर। देखिए लगातार पिछले 10-15 सालों से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हमारे सभी जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे सभी, मैं तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सभी भोजपुर क्षेत्र के हमारे सभी नागरिकों को परिवार का मानता हूँ, जो विकास के काम लगातार हम लोग करते आ रहे हैं उसी मुद्दे को लेकर हम लोग बीच में जाएंगे, क्योंकि विकास का काम लगातार हम लोग करते आए हैं और न केवल पूरे मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में जिस तरह से विकास हो रहा है और भोजपुर में भी लगातार पिछले 5 सालों से हम लोगों ने जो विकास आज से 2003 से शुरू हुआ था उसको आगे बढ़ाते रहे हैं और निश्चित रूप से मुझे ऐसी आशा है और विश्वास है कि यहाँ की जनता एक बार फिर से मुझे आशीर्वाद देगी। लेकिन न केवल भौगोलिक विकास बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से हमें वो सब कुछ काम करने का मौका दिया, जो संस्कृति विभाग के माध्यम से हमारी मध्य प्रदेश की सरकार भौगोलिक विकास के साथ साथ सामाजिक समरसता, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपरा को सृजित करने का काम कर रही है। हम दोनों तरह के विकास कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक समरसता की बात हो या भौगोलिक विकास की बात हो, और हम लोग आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे विकास के काम हैं जो हमें और भी करना है। हम लोग सब कोशिश करेंगे, हमारी पूरी टीम, कि जो भोपाल में सुविधाएं मिल रही है वो सुविधाएं सारी की सारी भोजपुर विधानसभा में मिले। क्या मानते हैं आपके भोजपुर में आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली आज भी नहीं है? देखिए ऐसा है, 60 साल के बाद 15 साल लगातार सरकार को काम करने का मौका मिला है। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि मध्य प्रदेश में 55,000 गाँव है, हमारे यहाँ जिले में लगभग 1300 गाँव और मेरी विधानसभा में 300 गाँव है, फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया कि सौभाग्य योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बिजली को हर घर में पहुंचाने का काम किया है, बहुत सारे ऐसे और भी काम हैं जो हम लोग लगातार करते रहेंगे। स्वर्गीय पद्म विभूषण सुंदरलाल पटवा जी कहा करते थे, विकास का एक काम खत्म होता है दूसरा काम शुरू होता है, तो निरंतर हम लोग चर्यवृत्ति करते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मुद्दा है विकास का, और विकास के साथ साथ समाज के उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का विशेष हमें ध्यान रखना है। जनता का कहना है कि इंडस्ट्रियल एरिया कोई नया 15 सालों में नहीं डेवलप कर। देखिए कांग्रेस को पहली बार 15 साल तक विपक्ष में रहने का मौका मिला है। हम लोगों ने तो बहुत सारे लंबे समय तक विपक्ष में रहकर सरकार की जो विफलताएं थी उसको उठाने का काम किया है। एक समय था जब 1998 में उद्योग बंद हो रहे थे, आज पूरे मंडीदीप में उद्योग जबरदस्त उनका टर्नओवर हो रहा है, लगभग 7 से 8 हज़ार करोड़ का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 108 करोड़ का तामोट में जो औद्योगिक हमने नया क्षेत्र विकसित किया है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वो सारे के सारे उद्योग जो आज सभी प्रॉफिट में चल रहे हैं और लगातार उनके टर्नओवर बढ़ रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये जरूर है कि रोजगार जितने मिलने की आवश्यकता है उतना रोजगार नहीं मिल रहा है, पर हम लोग स्वाभाविक रूप से ये प्रयास कर रहे हैं कि हम जो 108 करोड़ का हमारा तामोट का औद्योगिक क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में भोपाल से लगा हुआ भगरोता नया एक क्षेत्र विकसित हुआ है, वो भी मेरी विधानसभा के बिल्कुल 2 किलोमीटर से लगा हुआ है, 1500 करोड़ वाल्वो का वहाँ बड़ा प्लांट आ रहा है, और पूरी तरह से हम लोग हर तरह का प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में रहने वाला वो हर नागरिक आज सरकार के साथ साथ सरकार की योजनाओं का फायदा उठाए। जैसा बीजेपी से बगावत की है, विपिन भार्गव ने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो। जी मुझे इस बारे में सूचना मिली है और हमारे परिवार के सदस्य, और स्वाभाविक रूप से जब उन्होंने भी टिकट मांगा, पार्टी ने जिसको टिकट दिया, विपिन जी भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, 2 बार नगर पालिका के अध्यक्ष, 1 बार वो रहे, 1 बार उनकी पत्नी रही, अगर कोई बात होगी तो हम निश्चित रूप से परिवार में बैठकर उनके साथ वार्तालाप करके
मैं भी आपके माध्यम से उनसे भी कहना चाहूंगा, आइए आप और हम लोग सब मिलकर इस भोजपुर क्षेत्र की जनता का विकास करें। भाई साहब, अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, देखिए अगर विषय जो है वो फॉर्म उठने के पहले का है, मुझे लगता है कि विपिन जी से मेरी स्वयं भी पहले भी बात हुई थी, अभी स्वयं मैंने बात की करने वाला हूँ, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बड़े लक्ष्य को लेकर जो मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, हम सब भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और हमारा जो लक्ष्य है, हमारे जो आदर्श है, स्वर्गीय पद्म विभूषण सुंदर